अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नाजरीन, नई डिश के साथ, बिल्कुल यूनिक रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज हम बना रहे हैं मंगोलियन बीफ कढ़ाई। आप इसको कढ़ाई भी कह सकते हैं, आप इसको कोरमा भी कह सकते हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है और बड़ा ही यूनिक होता है। आप अपनी दावत पर रखें, डेली बेसिस पे जब सीज़न की सब्जियों से दिल उकता जाए तो आप ये वाली बना लें। थोड़ी डिफरेंट बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। बोनलेस मैंने हाफ के जी जो है ना बीफ ले लिया है और उसको मैंने इस सूरत में काट लिया है, स्ट्रिप्स की सूरत में। ठीक है, ये इसमें जाएंगे, ये देखें इस तरह से ये मैंने काट लिया है। और इसी तरह से ये प्याज इसमें जाएंगे और ये शिमला मिर्च भी मैंने इसी तरीके से काट लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने बीफ को, क्योंकि ये टाइम लेता है गलने में, इसको हम गलाएँगे। ठीक है, चंद मसाले डालकर। तो सबसे पहले हम इसको गलाने का, कुकिंग का प्रोसीजर शुरू करते हैं। प्यारी बहनों, टाइम की बचत के लिए, ठीक है, अभी मेरे पास लंच का टाइम बहुत कम रह गया, तो इस वजह से मैं इस बीफ को जो है ना, ये कम से कम, अगर ये स्ट्रिप्स में भी है तो ये हाफ आर तो ये लेगा ही लेगा गले में, इसलिए मैं इसको प्रेशर में गला लेती हूँ ताकि ये अच्छे से गला हो। क्योंकि गोश्त अगर गला हुआ ना हो तो फिर वो मज़ा नहीं देता। कोई भी किसी भी चीज़ में गला हुआ हो उसे अच्छे तरीके से गला हुआ होना चाहिए। ये तकरीबन 100 ग्राम मैंने ऑयल डाला है, इसके अंदर एक टेबलस्पून फुल भर के ऊपर तक लहसुन अदरक डालूंगी मैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको सोते करेंगे। हाँ जी, लहसुन अदरक हमारा हल्का सा भून चुका है। अब मैं इसके अंदर ये बीफ ऐड करती हूँ, इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे बिल्कुल 1-2 मिनट के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही मैं बाकी स्पाइसेस ऐड करती हूँ। ये टमाटर है, तकरीबन आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं, कुछ लोग ज़्यादा डालते हैं, कुछ लोग कम डालते हैं। मैंने तकरीबन ये 150 ग्राम के करीब टमाटर होंगे जो मैंने डाले हैं, क्योंकि हमें इसमें मसाला भी चाहिए। ये हम बीफ के साथ जो है ना, मसाला भी होगा और आप देखेंगे इतनी यूनिक और ज़बरदस्त ये डिश बनेगी कि एक रूटीन की डिश से हटकर ये मंगोलियन बीफ कढ़ाई है। ठीक है, ये टमाटर मैंने इसलिए बड़े बड़े डाले हैं कि ये छिलके में इसके निकाल दूंगी और फिर हम इसको डोई के साथ मैश कर लेंगे इसके अंदर। इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी 1 टेबलस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून हल्दी, सूखा धनिया करूंगी तकरीबन 1 टीस्पून। ठीक है, और इसके साथ ही हम नमक ऐड करते हैं। नमक हम हंसबे जायके ऐड करेंगे। मेरी प्यारी बहनों, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहन की हौसला अफजाई करें, ताकि बहन जो है एक नई हिम्मत और हौसले के साथ जो है ना अपने काम को जारी रखें। अच्छा, एक चीज मैं जरूर उनका जो है ना नाम लेना चाहूंगी, उनका थैंक यू करना चाहूंगी। एक जैनब है, जैनब मेरी बहन, हमेशा मुझे कमेंट करती हैं, मेरे खाने की रेसिपी की तारीफ करती हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत शुक्रिया मेरी बहन। अल्लाह ताला आपको सेहत, जिंदगी और कामयाबी दे जी। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा जो है ना, एक दरमियानी साइज का प्याज ऐड करूंगी। अच्छा, तो प्यारी बहनों, अब मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी क्योंकि ये भून चुका है, और इसको मैं लॉक करूंगी प्रेशर कुकर को, इसलिए कि खाने का टाइम हो गया है। वैसे तो ये बारीक बारीक से है, अगर आप प्रेशर के बगैर पकाएंगी तो भी ये 10-15 मिनट में गल जाएंगे। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं इसको लॉक करने लगी, और फिर जब खोलूंगी 5 मिनट के बाद तो फिर हम मिलते जी। नाजिन, बीफ हमारा जो है वो बिल्कुल गल चुका है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बिल्कुल गल चुका है। पहले मैं इसका पानी खुश करूंगी और फिर अगला प्रोसीजर मैं आपको बताती हूँ क्या हम करेंगे। टमाटोज के जो छिलके थे वो सारे मैंने हाथों से उठा दिए, इसको मैं चम्मच के साथ ही इसमें मैश कर लूंगी। ठीक है,
बीफ हमारा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकती हैं इसका मसाला कितना जबरदस्त बना है। ये मसाला जरूरी है क्योंकि हम चाइनीज नहीं बना रहे, हम मंगोलियन बना रहे, तो इसलिए मसाला इसमें इस तरह का होना जरूरी है। और ज्यादातर ये बीफ में ही बनता है, आप चिकन में भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस मौके पे मैं इसके अंदर ये शिमला मिर्च और प्याज जूलियन स्टाइल में कटे ये मैं ऐड करूंगी। अब हम चम्मच दूसरा ले लेंगे क्योंकि हमने इनको तोड़ना खराब करना या इनको बिल्कुल ज्यादा नहीं गलाना, बस इसी मसाले में ऑयल में हम इनको सिर्फ सौते करेंगे। फ्लेम जो है लो से मीडियम रखेंगे। जी नाज़रीन, इस मौके पे मैं 2 चम्मच पैन पे दही के ऐड करूंगी, ठीक है, सिर्फ 2 चम्मच, आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, ये तकरीबन कम था तो एक और डाल देती हूँ। अच्छा, इसके बाद जो है ना ये ग्रीन चिली जो बिल्कुल भी कड़वी वाली नहीं है, आजकल मार्केट में आई हुई है, बड़ी जबरदस्त होती है ये, जब गोश्त के साथ हल्का सा हम इनको फ्राई कर लेते हैं ये रोटी नान के साथ बहुत मजा देती है। ये मैं इसके साथ डाल दूंगी और इनको मैं भूनूंगी, ठीक है। ये आप देख रही हैं घी छोड़ा हुआ है, इसको बस भूनते भूनते ही हम ये रेडी हो जाएगी। जी बस 1-2 मिनट हम इसको और भूनेंगे हमारी, आप देख सकती हैं इसके अंदर ये मसाला, ये इसकी ग्रेवी जो है हल्की सी ग्रेवी बनेगी, बहुत ज्यादा ग्रेवी नहीं हम बना रहे। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, बॉइल राइस के साथ बहुत जबरदस्त लगता है। अब उतारने से पहले मैं इसमें जस्ट 1 पिंच गरम मसाले का ऐड करूंगी, ये तकरीबन 1 चुटकी के बराबर जो है ना पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूंगी। इसके साथ ही मैं इसमें धनिया डाल देती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको और भूनूंगी हल्की आग। बहुत जबरदस्त, बहुत मजे का बना है। अच्छा, दावतों में ऐसी जो चीजें होती है ना, ये मतलब कि यूनिक लुक देती हैं और यूनिक बना देती हैं आपकी दावत को। प्यारी बहनों जरूर बनाए, चिकन में बना लें, चिकन में अगर आप बनाएंगे तो इसकी वही चाइनीज लुक बन जाएगी। इसको बीफ में बनाए, बहुत मजे की बनती है। बाकी आप ये जो कटिंग है ये अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो आप चेंज भी कर सकती हैं, क्यूब्स में भी काट सकती हैं, उसमें भी जबरदस्त रहेगा। बस ये तैयार हो चुकी है, अभी मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये दिखा, जी तो फाइनली हमारा जो है ना मंगोलियन बीफ तैयार हो चुका है, बहुत मज़े का है, बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक लुक है इसकी। ज़रूर बनाएं प्यारी बहनों, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ढेर सारा ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। प्यारी बहनों चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहन को भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ दे, सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। आमीन सुमा आमीन। नई रेसिपी के साथ, नई डिश के साथ इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।